वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बढ़ी रही है कमोडिटी, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल सब में थोड़ी सी वीकनेस बढ़ती हुई, और एक बीपीसीएल की वीकनेस बढ़ रही है। अब तो ऑलमोस्ट 5% के आसपास का डीप गैश वहां पे प्रेशर माउंट होता हुआ, वो भी तब जब क्रूड थोड़ा कूल ऑफ, हम वो रशियन इंपोर्ट्स बढ़ाने के मूड में, तो ये प्योरली वो। अच्छा, इसके पीयर्स दिखाइएगा जरा, आईओसी, एचपीसीएल, वहां क्या हाल है? क्योंकि बीपीसीएल ने दिक्कत कर दी, 4.5% रहा, तो सबने वो सब में रब ऑफ देखने को मिल रहा है आपको सब डेज लोज के आसपास। गावा सर, ये बीपीसीएल देखिए यार, ये प्रेशर शुरू जहां हुआ था 2%, उससे अब प्रेशर माउंट हो रहा है, 4.5% के आसपास ही कमजोरी और एक स्लाइड नजर आ रहा है स्टॉक में। ये जो पैटर्न बना हुआ है बीपीसीएल पर, आज का एक रिवर्सल पैटर्न है। मुझे लगा 380 का कोई स्टॉप लगाकर चले, लोअर लेवल करीब 370-365 पॉसिबल है। ये बात क्लियर है बीपीसीएल में जो वीकनेस है, लेकिन इंडियन ऑयल को भी ध्यान देना चाहिए ऑन द डाउन साइड। 134 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो यहाँ पर भी 128 पॉसिबल है। यस, इस ऑयल मार्केटिंग कंपनी में वीकनेस है। ओके, बीपीसीएल में भाई वीकनेस है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ। वीरू, आप कुछ कहना चाहते हो? आशीष, लुक एट रिलायंस। बस मैं अगर आप देखिए, स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन आपकी स्क्रीन पे है, मेरा कोई रिलायंस अगर आप देखें यहाँ पर, आइसोलेशन में टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बट एक इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर ने एक क्रिटिकल डे पे इवन अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, इवन आई मीन 10 डेमा को टेस्ट करने की गुंजाइश ने तलाशी। और अब क्या होता हुआ, अब ओपनिंग और एग्जैक्टली सीएमपी जो है वो फ्लैट होते रहे, यानी लोअर शेडो वाइल्ड हो गई, यानी ओपन और लो वाइल्ड हो गया। आपकी राय राहुल इस स्टॉक पे? माफ कीजिएगा वीरेंद्र जी, मेरा चार्ट लोड नहीं हो पा रहा है। ओके, सचिदानंद जी, आपकी रिलायंस पर टेक एज ए स्ट्रॉन्ग इंडेक्स कंपोनेंट? डेफिनेटली वीरेंद्र जी, इनफैक्ट वीकली चार्ट्स को देखे तो पिछले हफ्ते हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग इसने रजिस्टर की थी, एंड टेक्निकली अगर हम देखें तो वहाँ पर एक काफ़ी क्लासिक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ था। एंड ये जो नो सपोर्ट लिया है आज का लगभग अराउंड 2710 के आसपास का, तो मुझे लगा 2700 का फ्लोर काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए अगले कुछ हफ्तों के लिए। अगर ये पर्टिकुलर फ्लोर होल्ड हो जाता है तो डेफिनेटली इसका जो आउट परफॉर्मेंस है वो आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। एंड लगभग मुझे लग रहा है 2820-2840 के आसपास के स्विंग्स अगले कुछ दिनों में ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखे जा सकते हैं, तो डेफिनेटली अभी भी यहाँ पर गिरावट में खरीदारी करने का ही की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको क्लियरली लगाना चाहिए अराउंड 2700, बट ये स्टॉप लॉस आपको डेली क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है। पुल बैक काफ़ी शानदार रहा है, रिकवरी भी काफ़ी शानदार है, एंड मुझे लग रहा है उम्मीद यही है कि 2840 के आसपास के स्विंग्स भी कंफर्टेबली देखे जा सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में।